परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ठाकुर ने सुदामा को पूछा, क्यों सुदामा भैया पांव में ज्योति नहीं पहनता? सुदामा ने कहा, पहनता हूं ना, घर में रखी है। अभी वो चतुर्मास में ज्योति पहनना छोड़ा ना, तब से फिर पहनना शुरू नहीं किया। ठाकुर फुटफुट के रोने लगा, तेने जीवन कभी ज्योति पहनी हो ऐसा निशान तेरे पांव में नहीं दिखता है। और कहता है, चतुर्मास में पहनी छोड़ी तब से पहनी नहीं। तेरे पास होती तो तू भी रामशरण के टोपली की तरह जरूर पहन के आता, भले ठंडी नहीं लगती होती। हमारे पास नहीं, इतना नहीं पहन किया। बहुत देर हो गई रोते रोते। ठाकुर पांव दबा रहे हैं सुदामा के, तिलक लगा के भोजन करवाया, इस तरह माथे को रगड़ा दास्ताने यार के, घिसते घिसते घिस गई तकदीर मेरी। भाग्य में लिखा था श्री क्षय, और ठाकुर ने तिलक लगाने के बहाने उसके भाग्य की रेखा को उलट के रख दिया। श्री क्षय को उल्टो तो यक्षश्री, कुबेर के पास जितनी संपत्ति होवे उससे हजारों गुनी संपत्ति ज्यादा मेरे मित्र के पास होनी चाहिए। बहुत देर रोने के बाद में याद आई गुरुकुल की, वो दिन याद है जब हम साथ साथ पढ़ते थे। अब सुदामा रोया, वो दिन भी कोई भूलने के, मेरे पांव में कांटा लगा था तो तूने ही मेरा कांटा निकाला था। ठाकुर कहता, मुझे नींद नहीं आती थी तो तूने मुझे अपनी गोद में सिर रख करके लोरी सुना करके सुलाया था। याद है वो दिन जब हम दोनों पाठ भूल गए थे, जंगल में गए लकड़ी देने के लिए। सुदामा ने कहा कि ये कहां से इसको याद आ गया, कहीं ये नहीं बोल दे कि वो चना तो अकेला ही खा गया था। सारी बनाई बनी बनाई इज्जत एक मिनट में मिट्टी मिल जाएगी। सुदामा संकुचित हो गया। ठाकुर ने सोचा अध्याय बदलो, वेंकट होल तो आप कहने लग गए। पहले से शादी की कोई बात तो पक्की थी नहीं। रुक्मिणी जी ने चिट्ठी लिखी, बस में चला गया, रुक्मिणी जी को लेके आया। उसकी प्रार्थना पर आते जाते तो शादी हो गई। बता कब तेरे को खबर करता, चलो दोनों बराबर हो गए। भाभी कैसी है? आप किसी भी व्यक्ति को पूछोगे तेरी पत्नी कैसी है तो कहेगा कि यार समय को देखते बहुत अच्छी है, घर का सारा काम करती है, कभी उसने कोई मेरी शिकायत नहीं की, बहुत अच्छी। और किसी भी पत्नी को पूछोगे तेरा पति कैसा तो कहते कि मैं जानती हूं कैसा है, मुझे निभाते पता लगा है। ये तो मैं हूं जो निभा रही हूं इतने दिनों से, नहीं और कोई होती तो खत्म, खल्लास मामला। पति पत्नी दोनों की कमेंट्स बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट होते हैं। सुदामा ने कहा, नाम भी सुशील आया है, भी बहुत सुशील। ठाकुर जी ने कहा, भाभी से पूछ के आया? हरे बोले, पूछने को उनके तेरी भाभी ने भेजा है। सुदामा जी बोले, जे जे। तेरी भाभी ने भेजा, मिल नहीं सका, बदनसी आ गया। सुदामा जी बोले, तेरी भाभी ने भेजा, मिलने से नसीब आ गया। सुदामा जी बोले, तेरी भाभी ने भेजा, मिलने सका, ब
बदन से आ गया सुदामा जी बोले रे भाई बेटा मिलने सका बदन भाभी ने भेजा है तो जरूर कुछ दे के भेजा होगा के मुपायन मानितम ब्रह्मन में भवता ग्रह ब्रह्मन में भवता गृह मेरे लिए घर से क्या लाया भाभी ने क्या दिया सुदामा ने कहा थोड़ी सी चीजें कैसे दूं अच्छी नहीं लगेगी सबके बीच में ठाकुर ने हिम्मत दी अणवपा हृतम भक्त प्रेमणी प्रेमणा भूरिय में भवे भक्तों की प्रेम से दी हुई अणुमात्र चीज भी मेरे लिए बहुत होती है सुदामा ने कहा हाँ है तो थोड़ी सी है पर कोई काजू किशमिश बादाम लौंग इलायची होता किशमिश होती तो दो चार भी देता तो अच्छी लगती ये क्या चावल सूखा दो मत भगवान ने हिम्मत दी पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते तद हम भक्त वृतमस्नामि प्रयतात्मन पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते पत्र पुष्प फल जल जो लाया वही दे देना मैं तो उसी को सब कुछ मान लूंगा सुदामा ने मना कर दिया कुछ नहीं लाया सुदामा वो पोटरी काक में छिपा के हाथ सिर के नीचे रख के सोया था उसके दो आदत बन गई थी जमीन पे लेट जाता हूं सिराने हाथ रखता हूं अरे मोहन मैं अपना तकिया बिस्तर साथ रखता हूं हाथ नीचे सिर के नीचे रख के सोया कांख में पोटली दबी हुई थी ठाकुर जी इधर से हाथ पांव दबा रहे थे बोले चल कुछ नहीं लाया तो कोई बात नहीं घर की बात है तू तो आ गया ना हाँ चल करवट बदल अब सुदामा ने कहा अब हो गया गड़बड़ जाला अब इस कांख में पोटली दबी हुई है और मैं अब करवट बदलू तो ये ऊपर आएगी और ये ऊपर आएगी तो छीनने झपटने में तो इसने आईआईटी पास की हुई तुरंत छीनेगा भी चोर जार शिखामणि है तो सुदामा ने कहा कि तूने इधर इतनी अच्छी तरह दबाया कि इधर की थकान तो अपने आप ठीक हो गई मैं ठीक हो जा सो ठाकुर ने कहा कि मैं दबा रहा हूं ना तेरे को तकलीफ क्या है तू करवट बदल एक हाथ का थोड़ा सहारा दिया दूध के ऊपर जो फेन होता है उससे भी कोमल बिस्तर थे द्वारकाधीश के जिसके ऊपर सुदामा सोया हुआ था भोजन करके एक हाथ का सहारा दिया चार बार लुढ़क गया अब वही हाथ ऊपर में जिसमें पोटली दबी हुई है ठाकुर जी ने कहा सुदामा हां सबसे छोटा बच्चा कितना बड़ा है सुदामा की पोटली कांख में दबी ने बोला ये छोटा इतना बड़ा है गोंदिया से नागपुर दिल्ली पैसेंजर जाने वाला आदमी नागपुर में एक दिन अपने मित्र से बात कर रहा था क्या करूं यार बच्चे लोग कभी टाइम नहीं दे पाता हूं घर वाली हमेशा परेशान करती है तो उसने कहा कि तेरे बच्चे कितने बड़े बड़े बोले तेरे तो कहा कि एक बच्चा इतना बड़ा है एक कितना बड़ा है एक इतना बड़ा अच्छा तेरे तो उसने कहा कि एक बच्चा इतना बड़ा है एक कितना बड़ा है एक कितना बड़ा अरे बोले ये क्या नापति ऐसे कोई ऐसे बताते सब तो ऐसे क्या कहा कि जब भी जाता हूं तो बच्चे सोए हुए मिलते आता हूं तो सोए हुए मिलते तो मैंने बच्चों को कभी खड़े देखा ही नहीं तो मैं कैसे कहूंगी कितने बड़े मैंने बच्चों को सोए देखा था सबसे छोटा इतना बड़ा उससे बड़ा इतना उससे बड़ा सुदामा ने कहा सबसे छोटा इतना बड़ा और पोटली कहीं दिख नहीं जाए इस बात की सावधानी अभी उससे बड़ा बोले उससे बड़ा इतना
हाथ उठा भी नहीं, एक कंधा उठा भी नहीं। ठाकुर ने कहा छोड़ना, बीच की जित